बस शास्त्री जी, अब तो भगवान से यही मांगते हैं कि प्रार्थना बिटिया को अपने ससुराल में मायके जैसा प्यार और अपनापन मिले। बड़ी नाजों की पली है हमारी बिटिया और उसका बचपन से बस एक ही सपना रहा है कि उसका विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जो बिल्कुल हमारे घर की तरह हो, भरा पूरा परिवार हो, दुख सुख बांटने के लिए बहुत से अपने, इतने रिश्ते हों घर में कि अकेलापन कोसों दूर भाग। और देखिए शास्त्री जी, ससुराल परिवार में रिश्ता करके भगवान ने प्रार्थना बिटिया के इस सपने को तो पहले ही पूरा कर दिया। एक मिनट, ये जो मेहंदी के बीच की डिजाइन में ये क्या लिखा है? बताओ ना क्या लिखा है, बताओ ना क्या है, बोलो क्या है? ये तो एप्पल है। बुद्धू, ये एप्पल एप्पल नहीं है, ये तो एप्पल अक्षय है, है ना? हेलो, कौन? एप्पल अक्षय फूफा। अरे हेलो, हाँ अक्षय जी, हम बोल रहे हैं आपके बड़े साले अतुल सिंह। और हम बोल रहे हैं आपके छोटे साले आलोक सिंह। और हम हेलो अक्षय जीजू, पहले तुम शादी से तो निपटो जीजू। अरे कोई बात नहीं, भी कभी बात कर लिया कीजिए अक्षय जी। हेलो जी। हेलो जी। भाभी। अरे अरे कहाँ जा रही हो? ताकि तुम्हारी सांसों को सुन सके। तो हमारी सांसें आपसे क्या कह रही हैं? वही जो अभी तक तुमने अपनी जुबान से नहीं। मैं फोन रखती हूँ, बाय। अरे वेट यार, मेरी शादी हो रही है और रोमांटिक होने का पूरा हक है मुझे, कम ऑन यार। ओके योर विश, रख दो फोन। लेकिन इसमें लॉस तुम्हारा ही, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मिस कर दोगी तुम। और वो बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्या है? बाय। अधूरी बात और अधूरा प्यार दोनों अच्छे नहीं होते। Well, अब मेरा प्यार तो पूरा हो ही रहा है, तो इसलिए ये बात भी पूरी करनी होगी। मैडम, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके घर आपको प्रेजेंट करने आ रहा हूँ। क्या आप, और आप यहाँ आ रहे? नहीं नहीं, देखिए प्लीज यहाँ मत आइएगा। Why? Any problems? आपका सिर्फ फोन आ गया तो मुझे अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया था। देखिए यहाँ मत आइएगा प्लीज। डोंट वरी प्रार्थना, वैसे भी तुम और तुम्हारी सारी फैमिली आज हमारे घर डिनर पर आने वाली है। और प्रार्थना, अब इंतजार तो सिर्फ उस पल का है और मेरी प्रार्थना मेरे सामने होगी। अरे आलोक जी, बाबूजी वो केटरिंग वाले को बोल दिया ना कि इस बार जरा मिर्चे पर हाथ हल्का रखे। हाँ जी, बोल दिया था। वो तुम्हारी शादी में उसने तिल खोल कर मिर्चे डाली थी, मेहमानों की हालत खराब हो गई। मेहमानों का तो जी जो हाल हुआ सो हुआ, याद है सिद्धि का क्या हाल हुआ था? बेचारी उसके 3 दिन बाद भी मिर्च का नाम सुनकर कोसों दूर भागती थी। लेकिन
उसकी फ्लाइट तो लैंड कर गई होगी। मर गए। तुम्हारा मतलब है तुम लोग सिद्धि को लेने एयरपोर्ट नहीं गए? नहीं बाबूजी। क्या चाहते हो तुम लोग? इस घर में भूचाल आ जाए, यहाँ तूफान आ जाए, बंदूकें और टोपे चलने लगे? नमस्ते मैडम, ये सामान हमें दे दीजिए। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी मैम। यू इडियट। सिद्धि को लेने एयरपोर्ट जाना था, इतनी बड़ी बात तुम लोग भूल कैसे गए? हाय राम, अगर सिद्धि वहाँ पहुँच गई होगी तो? अरे वहाँ की छोड़िए, और वो अगर अकेली यहाँ पहुँच गई तो बस उसका गुस्सा तो। सिद्धि आ गई है साथ, और साथ में सिद्धि का गुस्सा भी। वेट। अभी ऊपर ऊपर का प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको मेरा कितना ख्याल है इसका प्रूफ तो मुझे मिल ही चुका है। सिद्धि इतने टाइम बाद लंदन से आती है। इंडिया में इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली होते हुए भी सिद्धि को घर अकेले आना पड़ता है। देखो ना सिद्धि। नो एक्सक्यूजेस प्लीज। सिद्धि को बहानों से सख्त नफरत है। सिद्धि बहानों से है ना, सच्चाई से तो नहीं। बेटा अब गुस्सा छोड़ दे, चल ऊपर चल। रघु सामान उठाओ। हाथ नहीं लगाएगा कोई भी मेरे सामान को। मैं सिर्फ प्रार्थना से मिलूंगी और अगली ही फ्लाइट से मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। एंड प्लीज कोई भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। सिद्धि जाने भी देना, अब माफ कर देने। देखना कितना सॉरी फील कर रहे हैं। ओके सॉरी एक्सेप्टेड। लेकिन मैंने सिर्फ प्रार्थना के कहने पर आप सबको माफ किया है। चल बच गए, वरना आज तो इस धमाके से इस घर की छत भी उड़ जाती। ओह गॉड, अरे दिस गेट्स टू मच यार। बेटा मेरे चोट तो नहीं लगी ना? हाँ थैंक गॉड यहाँ कोई भीड़ नहीं है। आई नो कि तू अक्षय के साथ अरेंज मैरिज कर रही है, लेकिन ये बता कि तू अक्षय से ठीक से मिली विली है या नहीं? मतलब टेल मी अबाउट अक्षय। तू जानती क्या है अक्षय के बारे में? एक अच्छा और शरीफ इंसान है, वेल सेटल्ड है, भरा पूरा परिवार है, मम्मी पापा दो भाई भाभियां, और सबसे अच्छी बात तो ये है सिद्धि कि वो सब एक साथ रहते हैं। आई मीन इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो मुझे अक्षय के बारे में बता रही है या उसकी पूरी कॉलोनी के बारे में? जिसके साथ तुझे अपना जीवन बिताना है उसको छोड़कर बाकी पूरी फैमिली का बायोडाटा है तेरे पास। सिद्धि अक्षय से मुझे शादी करनी है, लेकिन रिश्ता तो उन सब से भी जुड़ रहा है ना, उतना ही अटूट और उतना ही गहरा। इधर आ, इधर देख, और अब बता अलग होते हुए भी ये सब एक है ना? मेरा ससुराल भी ऐसा ही है सिद्धि। यू डोंट नो सिद्धि, मेरा तो जैसे ही सपना पूरा हो रहा है एक जॉइंट फैमिली में शादी करने का। वहाँ भी यही की तरह होगा। जिस तरफ देखूंगी उस तरफ कोई अपना नजर आएगा। बाकी सब तो रिश्तों की भीड़ होती है, अपना तो सिर्फ अपना पति ही होता है। और पति के अपने सिद्धि,
वो भी तो अपने ही होते हैं ना। गॉड प्रार्थना, ये सो बोरिंग। पता नहीं ताऊजी ने तुझे कहाँ फंसा दिया है। शहर की बेस्ट फैमिली है सिद्धि, बहुत बड़ी फैमिली है, द ठकराल्स। रियो, टाइम देखे, अब तक तो प्रार्थना के घर वालों को आ जाना चाहिए था। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, उन्हें जब आना होगा तभी आएंगे। सिद्धि, ये है मेरा ससुराल। लो, आ गए। वेलकम वेलकम, आइए आइए। शुक्रिया साहब। आप बेटा आशीर्वाद लो। अरे बस, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है समधन जी, अब तो इस बच्चे का नया जीवन आपके चरणों में ही शुरू होगा। इसे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। कम इन प्लीज। मुझे तो माफी रखिए साहब, आज तक तो कभी इसे हाथ लगाया नहीं, अब इस उम्र में भी इससे दूरी रहूं तो अच्छा है। ओके, यू डोंट माइंड इफ आई? नहीं नहीं, आप लेते हैं तो शौक से भी। थैंक यू साहब, के लिए एक फ्रूट जूस लेकर आना। हाँ, फ्रूट जूस आपके साथ ले सकता हूँ साहब। ओके। विशाल भैया। प्रार्थना। नमस्ते। तराना और बाकी के लोग वहां पर है, तो मिली उनसे? वो है हमारी तराना भाभी और वो छोटी भाभी। चल। रेणुका, ये लोग तो मम्मी जी, वो सब लोग वाइन पी रहे हैं। आजकल पार्टीज में ये सब बहुत आम हो गया है। आप पीना। कम हियर। Come here, darling. ये है प्रार्थना, हमारी अक्षय की पसंद। प्रार्थना, go on, जाकर अक्षय से मिल लो। After all, ये पार्टी इसी वजह से तो रखी गई है कि तुम दोनों लव बर्ड्स मिल सको। हाँ हाँ प्रार्थना, जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है अक्षय। Yeah, don't worry. No problems. The deal is done. Okay, okay. Thank you. Bye, 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 bye. Yes, please. Siddhi. Siddhi? Oh, Pratna ki London wali cousin, right? I'm Akshay. Untidy. Yeah, room is really very untidy.
लेकिन अब मेरी शादी हो रही है ना, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी वाइफ आकर ये सब काम करें? हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि साली आधी घरवाली। तो फिर ये सब तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यू सी मिस्टर, सिद्धि यहाँ पर ये सब काम करने नहीं आई है। तो सिद्धि यहाँ पर क्या करने आई है? ये देखने आई है कि आप मेरी सिस्टर के काबिल हो भी या नहीं। ओह, आई सी। और मैं इडियट ये समझ रहा था कि दोनों फैमिलीज ने सब कुछ तय कर लिया है और कल मेरी आपकी सिस्टर के साथ शादी होने वाली है। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि सिंह फैमिली में आप ही फाइनल अथॉरिटी हैं। स्मार्ट, अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताइए। मिस सिद्धि, ये लंदन नहीं है, हिंदुस्तान है। और हुआ यूं कि मेरी लाइफ में मुझे जितने भी गर्ल्स मिली वो फ्रेंड्स नहीं बन सकी, और जितने भी फ्रेंड्स बने वो गर्ल्स नहीं थी। हाँ, काश मैं लंदन बेस्ड होता तो शायद मुझे आप मिल जाती। You're acting really smart, huh? तो अगर स्मार्ट नहीं होता तो प्रार्थना जैसी लड़की को कभी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बनाता। इट्स माई लक कि प्रार्थना मेरी लाइफ में आई, जो मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी लाइफ होगी। ओह गॉड, तो मेरे वेट नहीं कर सकती थी। अभी तो मैं इनसे डोंट वरी, अब तो ये रिश्ता जिंदगी भर का है और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे मुझसे सवाल पूछने के, इंटरव्यू लेने के। क्यों साली जी? कॉल मी सिद्धि, नॉट साली, ओके? ओवर स्मार्ट है पर आई लाइक हिम। चुप क्यों है? चुप कहाँ, इतना कुछ तो कह रहा हूँ। वो हमारा गिफ्ट। चलिए, ये है आपका गिफ्ट, ओपन इट। ये तो हम हैं। आपने हमें बिना देखे ये कैसे बनाया? हमारी प्रार्थना तो हर वक्त हमारे सामने रहती है। अब मेरी ये आंखें इस एक चेहरे के अलावा और कुछ देखती कहाँ हैं? बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है। और अगर मेरी आंखों से देखो तो हम पेंटिंग की बात कर रहे थे और मैं जिसकी पेंटिंग है उसकी बात कर रहा हूं। एक जीती जागती पेंटिंग। मिसेस डिसूजा, आइए। आने का नहीं, जाने का। तुम लोग को डिनर का वास्ते नीचे बुला रहे, चलो। मिसेस सिंह, आप भी लीजिए ना। एक्चुअली हम लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। ये तो आपका इतना प्यार मिल रहा है, कम है क्या? वो मिसेस सिंह, प्लीज डोंट बी सो ऑर्थोडॉक्स। अच्छा ठगरा साहब, आप आज्ञा दीजिए। विशाल, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि हुआ क्या है? तुम पार्टी छोड़कर मीटिंग अटेंड करने इसलिए गए थे ना कि डील फाइनलाइज करनी है, तो बताओ ना कि हुआ क्या है? What? What do you mean लेट हो गए? घर की पार्टी अटेंड करना ज्यादा जरूरी है
अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना विशाल। आज की पार्टी अच्छी रही। अगर मौका अक्षय ने दिया था तो अक्षय और आपको सेलिब्रेट करना चाहिए था। हमें क्यों मजबूर किया कि हम भी शामिल हों? क्या बात है तराना, ऐसे अचानक तुम इस पार्टी की वजह से? प्रेम, हमारे हाथ से एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट निकल गया क्योंकि पार्टी की वजह से विशाल वक्त पर नहीं पहुंच सका और डील किसी और ने कर दी। कॉन्ट्रैक्ट इतना मेजर था तो फिर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर तो नहीं रोका था ना तुम्हें और विशाल को? चले जाते, पार्टी अटेंड करने की क्या जरूरत थी? पार्टी अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी? अगर पार्टी हम नहीं अटेंड करते तो सबकी शक्लें कैसी बन जाती हैं जानती हैं आप? कोई जुबान से कुछ नहीं कहता मगर हजारों इल्जाम लगाए जाते हम पर कि इस अक्षय की सो कॉल अरेंज मैरिज को लेकर ये जो डिनर्स, ये पार्टीज, ये रिचुअल्स, ये गेस्ट, ये सब और कितने दिनों तक चलेगा? कहना क्या चाहती हो तराना? इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आज ये पार्टी नहीं होती तो क्या शादी रुक जाती? शादी तो फिर भी होती ना, तो फिर बेकार में हम अपना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद करें? इतना वक्त है हमारे पास। तराना, तुम तो फिर भी मैनेज कर लोगी, बिजनेस है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का, पर मैं एक एयर होस्टेस हूँ, लेट हुई तो फ्लाइट मेरे लिए नहीं रुकने वाली। एब्सोल्युटली डार्लिंग, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है, इसीलिए हमें काम करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी। ओह जस्ट स्टॉप इट, पार्टी खत्म हो चुकी है, ये सब बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? टाइम पार्टी में नहीं, ऐसी बकवास बातें में वेस्ट होता है जैसे कि अब हो रहा है। पार्टी तो शानदार थी, लोग भी अच्छे मालूम होते हैं। अरे सिद्धि, हम अपना गिफ्ट तो वही भूल गए, क्या करें? ड्राइवर गाड़ी वापस। चुप तो सिर्फ हमें रहने को कहा जाता है, अक्षय जो भी करे वो सही है और हम अगर आवाज भी उठाएं तो गलत। आपको याद है विशाल और मैंने भी एक पार्टी थ्रो की थी अपने क्लाइंट्स के लिए, मगर उस पार्टी में आप लोग में से किसी को भी आने के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया था। फिर हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम इन फालतू रस्म और रिवाज में शामिल हों? क्योंकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक साथ रहते हैं, एंड व्हाट अ हैप्पी एंड अ बिग जॉइंट फैमिली वी आर। एब्सोल्युटली, और क्यों ना दिखाएं? After all, we are the Thakrals, the hypocrites, the dhongis. Oh, just shut up! बोलने से पहले सोचो क्या बकवास कर रहे हो। अक्षय ने कम से कम शादी के बारे में डिसाइड करके हमें तो इन्वॉल्व किया, तुमने और विशाल ने इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं दी थी हमें तराना, याद है? कोर्ट मैरिज करके आ गए थे तुम दोनों, और तुम प्रेम, शालिनी, तुम दोनों ने कब, कैसे और कहां शादी की? वो मैं तो क्या, शायद तुम भी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। What the hell is this? अक्षय की जगह आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि वो भी हमारा बेटा है, damn it, और वो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है। नसीब से अगर एक शादी हमारे घर में पूरे तौर तरीके से हो रही है, तुम लोग मातम मनाने पर क्यों तुले हुए? आप लोगों को जो करना है करिए, मगर प्लीज आज के बाद दूसरों पर जबरदस्ती मत कीजिए कि वो शादी के हर रस्म में शामिल। हम दोनों भी अब डायरेक्टली वेडिंग पर पहुंचेंगे। उसकी भी कोई जरूरत नहीं। शादी मेरी है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का दिन, और मैं नहीं चाहता कि वहां कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्हें मेरी खुशी की नहीं बल्कि अपनी डेली रूटीन की परवाह हो। प्लीज प्लीज आप लोग अपना काम करिए, आप सबके बिना भी मेरी शादी हो जाएगी। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी किसी भी तरह का समझौता करे। आई डोंट नीड एनीवन। आप लोगों में से कोई भी मेरी शादी अटेंड नहीं करेगा, कोई भी नहीं।